हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे रंगनाथ जी मंदिर, जो कि विष्णु भगवान का नाम है। और गाइस, ये वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है और ये मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। तो गाइस, सबसे पहले आपको लीला घर में ले चलते हैं और यहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट चाहिए। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार है और इसके आगे का वीडियो आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लीला है वो समुद्र मंथन का है। और गाइस, ऐसे बहुत सारे लीला हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोगों को वीडियो में यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। तो गाइस, ये जो लीला है वो नरसिंह अवतार है भगवान का। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। तो गाइस, यहाँ पे भगवान के सभी अवतारों का लीला बनाया गया है, जो कि देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं इन सभी लीलाओं का वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे आपको वासुदेव बाबा श्री कृष्ण भगवान को यमुना में ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि गाइस देखने में एकदम रियल लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान का लीला बनाया गया है, जो कि हर एक चीज़ यहाँ पर जो भी बनाया गया है वो एकदम रियल देखने में लग रहा था गाइस दूर से। आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में। तो गाइस, इस लीला के आगे आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल का भी लीला बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, इस लीला के बाद से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे द्रौपदी चिरहरण का भी लीला बनाया गया है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो कि दूर से देखने में तो गाइस ये बिल्कुल रियल लग रहा था जैसा ये बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस, इस लीला के बाद से आप लोग देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान की सवारी का भी यहाँ पे लीला बनाया गया है। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों में उठा रखे हैं अपने गोवर्धन वासियों का रक्षा के लिए। तो गाइस, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के अवतार का लीला बनाया गया है, जो कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को झूला में झुलाते हुए नजर आ रही होंगी। और गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रामायण का भी एक छोटा सा लीला बनाया गया है, जो कि रावण और श्री राम जी के युद्ध का टाइम का था। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो राम जी और रावण में युद्ध हो रहा है। और गाइस, इसके बाद का जो लीला है वो श्री कृष्ण भगवान और राधे जी का है, जो कि दोनों लोग नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ श्री रंगनाथ जी मंदिर का दर्शन करवाने। गाइस, आप लोग देख सकते हो मूर्ति जो था बहुत ही ज़्यादा अंदर था और साफ से दिख नहीं रहा होगा। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को पीछे की तरफ दिखाने के लिए ले चलती हूँ। आप लोग गाइस देख सकते हो यहाँ पे जितने भी खंभे थे उन सब पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस की गई थी। तो गाइस, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो खंभा है वो सोने का खंभा है और ये 60 फीट लंबा है। और गाइस, अभी हम लोग चलते हैं सीधे शीश महल के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कि शीश महल के अंदर क्या है। शीश महल के अंदर जाने के लिए आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शीश महल के अंदर और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सभी शीशा का बना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो गाइस, इसमें पूरा जितना भी था छत पे भी पूरा शीशा लगा हुआ था, नीचे चारों तरफ बस शीशा ही शीशा था।
तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के पीछे आ चुके थे और आप लोग देख सकते हो पीछे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी बैठने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। अच्छा वो इसमें चलते हैं, जल्दी से निकल, गेट बंद होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जितने भी खम्भे थे इस पे इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए थे, ये पत्थर के ही हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह विष्णु भगवान का मूर्ति बनाया गया था पत्थरों पे, और मतलब वो हर देवी देवताओं का जो मूर्ति होता है वो बना है, और आप लोग देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये है वाहन घर, और यहाँ पे जितने भी वाहन है वो सभी सोने के बने हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग घूम चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ थी, और अभी बस मंदिर के गेट बंद होने वाली है इसीलिए अब बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस बाय।